तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले, दैट इज़ योर होल नंबर्स। तो चैप्टर पढ़ने के पहले अपन जान लेते हैं कि होल नंबर्स किसे कहते हैं। वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे, पर होल नंबर कहते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 0 के आगे ये सब नंबर आते हैं। अपन देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से आगे 100 इनफाइनाइट तक काउंटिंग चलती जाती है। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट कहते हैं जिसका कभी अंत ना हो, तो इन्फिनिटी तक, यानी ख़त्म ही नहीं होंगे कभी नंबर्स। तो वहाँ तक 0 से लेके वहाँ तक जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने फुल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, आपके बुक में सबसे पहले टॉपिक दे रखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं अपन कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी इसमें बस 0 इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे नंबर इंक्लूड होते हैं 0 के अलावा छोड़ के। होल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं वो सब इसमें काउंट होते हैं, नेचुरल नंबर में। तो समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके बुक में देखो दे रखी है कि व्हेन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, तो आपको पता ही है सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ही होगा, वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन 1 इज़ एडेड टू ए नेचुरल नंबर द नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऑप्टेन इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ दैट नेचुरल नंबर। तो सक्सेसर यानी क्या होता है कि वो नंबर जो एक नंबर पिछले नंबर से एक नंबर आगे हो, ठीक है। तो जैसे 18 यहाँ दे रखा है, तो 18 + 1 = 19 जो है 18 का सक्सेसर हो जाएगा, यानी उसके आगे आने वाला, जस्ट आगे आने वाला नंबर। इसी तरह से प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर वर्ड देख रहे हो आप यहाँ पे, प्रेडिसेसर यानी एक नंबर पहले आने वाला नंबर। तो 18 में से एक मैं माइनस कर दूँगी तो 17, तो 17 मेरा प्रेडिसेसर हो जाएगा 18 का, क्योंकि वो उसके जस्ट एक नंबर पहले आता है, ठीक है। तो मैं 6 का प्रेडिसेसर पूछूँ आपसे, तो 6 का प्रेडिसेसर उसके जस्ट पहले आने वाला नंबर, दैट इज़ 5। 6 के एक पहले 5 आता है, तो 5 उसका प्रेडिसेसर हो जाएगा। और 6 का सक्सेसर पूछूँ तो यानी आगे आने वाला नंबर, तो दैट विल बी 7, ठीक है। 6 + 1 = 7, समझ में आ गया। सक्सेसर और प्रेडिसेसर का मतलब, अब ये किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप, चाहे नेचुरल नंबर की बात करो, होल नंबर की बात करो, या किसी भी नंबर की बात करो। फोर्थ पॉइंट है, नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, देयरफॉर द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न। अब क्योंकि मैंने बताया कि होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों ही इनफाइनाइट है, यानी जिनका कोई अंत ही नहीं है, तो अपन को पता ही नहीं है लास्ट नंबर क्या है, है ना। तो अपन लिख ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा नंबर तो कौन सा होगा, अपन सिर्फ सबसे छोटा लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होते हैं, अपन को पता है। फिफ्थ पॉइंट है, ऑल द नेचुरल नंबर्स हैव देयर प्रेडिसेसर्स एक्सेप्ट ऑफ 1। अब देखो, प्रेडिसेसर यानी पहले आने वाला, अब नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं, तो उसका कोई प्रेडिसेसर कैसे हो सकता है, यानी उसके पहले तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो एज व्हेन इज सब्ट्रैक्ट, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 वी गेट 0। तो 1 में से अपन 1 माइनस कर देंगे तो अपन को 0 मिल जाएगा, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 तो होल नंबर होता है, ठीक है। इस वजह से अपन क्या कहते हैं कि 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता, यानी उसके पहले कोई भी एक नंबर नेचुरल नंबर नहीं आता। नंबर तो आता है पर वो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए अपन उसको काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सब लोगों को पता है वैसे तो 0 किसने इन्वेंट किया, अब द फेमस इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जिन्हें कहते हैं अपन, आर्यभट्ट, उन्होंने 0 की डिस्कवरी की थी, आपको पता भी होना चाहिए ये। और बाद में क्या किया था, जो फ़रन के लोग थे यानी अरब के लोग थे और यूरोप के, उन्होंने सिंबल 0 इसको दिया, और उन्होंने इसको 0 इसलिए बोला क्योंकि अरेबिक वर्ड होता है एक सिफर, उसका मतलब होता है खाली, एम्प्टी, यानी कुछ भी नहीं। तो सिफर अरेबिक वर्ड से उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके 0 वर्ड दे दिया। अच्छा, सेकेंड कैटेगरी देखो, अभी अपन नेचुरल नंबर पढ़ के आए, तो नेचुरल नंबर में यहाँ दे रखा है n, n को किससे रिप्रेजेंट किया, नेचुरल नंबर से, n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी पूरे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे उसमें। तो यहाँ क्या लिखा रखा है, 1 to infinity, ये देखो ये सिंबल है ना इन्फिनिटी का होता है, इसे अपन इन्फिनिटी कहते हैं, यानी जिसका कोई अंत ना हो।
तो नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है, अपन को पता है नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यानी लगातार आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए अपन ने लास्ट सिंबल पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है। यहाँ कौन सा साइन बनाया है? इन्फिनिटी का साइन। इन्फिनिटी का साइन किस तरह से बनाते हैं अपन? इस तरह से ड्रॉ करते हैं इन्फिनिटी का साइन अपन, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, आप देख सकते हो। तो n तो समझ आ गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये तो नेचुरल नंबर थे। अब अगर मैं इसमें ज़ीरो भी ऐड कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? होल नंबर का सेट बन जाएगा। तो आप यहाँ सेट ऑफ होल नंबर्स, जो कि क्या है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, यानी पहले वाले सेट में वन से लेके इन्फिनिटी तक था, अब इस बार ज़ीरो भी ऐड हो गया, इसलिए ये किसका सेट बन गया? होल नंबर्स का सेट बन गया। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है होल नंबर की, देखो, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर आर ट्रू फॉर होल नंबर एज वेल, क्योंकि इसमें सारे वन से लेके इन्फिनिटी तक के तो सारे नंबर नेचुरल नंबर ही हैं, तो जो भी नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी इसमें अप्लाई होती है, ठीक है, जो भी अपन पहले पढ़ के आए, जस्ट अपन ने देखा था अभी। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो, देख रहे हो आप, सबसे पहले सेट में क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, तो ज़ीरो अपना क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, इसका मतलब क्या है? हर एवरी यानी हर एक नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि आप देख रहे हो वन से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर ही तो थे, और ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी है। बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, पर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ ज़ीरो की, तो ज़ीरो यहाँ पे होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के लिस्ट में तो आता ही नहीं है, ठीक है। और देर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर, जैसे कि अपन ने नेचुरल नंबर में भी बताया था कि सबसे बड़ा अपन काउंट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी अपन होल नंबर में भी नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। अब अपन देखते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर। वैसे मैंने आपको बता दिया था अभी कि सक्सेसर होते जस्ट आगे आने वाला नंबर, यानी जो नंबर है गिवन नंबर यानी दिया हुआ नंबर है उसमें प्लस वन कर दो आप, ठीक है, एक नंबर ऐड कर दो, और प्रेडिसेसर यानी क्या होता है, जो गिवन नंबर है उसमें एक नंबर माइनस कर दो यानी माइनस वन। तो सक्सेसर ऑफ टू, टू का सक्सेसर जस्ट आगे आने वाला नंबर, टू प्लस वन क्या हो जाएगा? थ्री। और प्रेडिसेसर यानी पीछे आने वाला नंबर, तो टू माइनस वन दैट इज़ वन, तो एक नंबर जस्ट पीछे आने वाला नंबर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये टॉपिक? तो आपको एक टॉपिक अपन और देखते हैं।